अरे यार अचानक से इतनी गर्मी कैसे हो गई यार। पता नहीं पूरी लॉस एंजेलिस में गर्मी का माहौल हो चुका है। मैंने फ्रैंकल भैया से कह के ना एसी भी लगवाऊंगा घर में आनी, तो एसी के बिना यार जिया नहीं जाएगा मेरे से तो। गाइस इसके घर पे ना मैं ना पेट्रोल लेने के लिए आया हूँ। ए भाई दरवाजे खोल, फ्रैंकल भैया ने भेजा है, बोला कि उसके घर से पेट्रोल लेके आ जाए अपने दोस्त के घर से। अरे भाई चिंटू दरवाजे खोल दे यार। अरे यार ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे, एक तो इतनी गर्मी लग रही है और दरवाजा और बंद कर रखा है। मजे से घर में पंखे की हवा में बैठा होगा जरूर। अब चिंटू दरवाजे खोल दे, तोड़ दूंगा वरना। अरे यार ये दरवाजा कैसे नहीं खोल रहा, मेरा गुस्सा हाई होता जा रहा है यार, तोड़ दूंगा दरवाजे को मैं। यार ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहा, मेरे ख्याल से सो तो नहीं गया यार। खोल दे लात पे लात मारता चले जाऊंगा वरना। अरे यार क्यों नहीं खोल रहा, दिमाग गर्म कर दिया इसने तो मेरा। एक काम करता हूँ फ्रैंकल भैया से, मैं यही बोल दूंगा ना दरवाजा नहीं खोला। हाँ नहीं तो यार इतना ज्यादा मैं दिमाग पे लोड क्यों ले रहा हूँ, फाली फीली यार मेरे तो दिमाग दर्द हो जाएगा वरना। आ रहा हूँ फ्रैंकल भैया मैं, आ रहा हूँ यार। पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी नहीं मिला मेरे को, जल्दी जल्दी भगते हुए जाता हूँ। इस गर्मी में तो मेरे को यार रहा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। एक काम करूंगा घर में जाके ना फटाफट से नहा लूंगा। हाँ नहीं तो यार ये खुजली भी होने लग रही है कमर पे, घर पे जाके नहा लूंगा। और गाइस आपको पता है कल ना हमारी ना हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी। हाँ नहीं तो यार हमारे घर के आगे कूड़ा फेंक देता है इसने, मेरे फ्रैंकल भैया ने उसके थूती थूत पे मारा यार घुसा। मैं तो फ्रैंकल भैया से बोल रहा था मेरे को एक बार मौका तो दो मैं भी मारूंगा, लेकिन फ्रैंकल भैया ने मौका ही नहीं दिया यार। कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया ने तो मारा कम से कम उसको। हाँ नहीं तो यार कूड़ा फेंक दिया था मेरे घर के आगे। फ्रैंकल भैया यार कहाँ हो, फ्रैंकल भैया कहाँ चले गए यार। उस दोस्त के घर पे दोस्त नहीं था, हमारे घर पे फ्रैंकल नहीं, आखिरकार गए तो गए कहाँ फ्रैंकल भैया। अब सिंचन क्यों चिल्ला रहा है, अरे यहाँ से आवाज आई फ्रैंकल भैया की, क्या हुआ फ्रैंकल भैया कहाँ हो, ये क्या कर रहे हैं। अरे फ्रैंकल भैया क्या कर रहे हो यार, ये टेबल के नीचे घुस के। अब सिंचन ये टेबल चटक रहा था थोड़ा सा, मैं ना टेप लगा रहा हूँ। अरे यार कब तक लगाते रहोगे टेप यार, टेप क्यों लगा रहे हो, फेंको ना। अब सिंचन पैसे नहीं है मेरे पास नहीं लाने को, इसलिए टेप लगा के जुगाड़ लगा रहा हूँ मैं तो। ये बता तू पेट्रोल लेके आया, नहीं लेके आया। अरे कहाँ पेट्रोल मिला फ्रैंकल भैया, उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था। आनी तो यार फ्रैंकल भैया दिमाग खराब हो गया मेरा। और हाँ पहली बता रहा हूँ जल्दी से ना घर में एसी लगवा लो, हाँ मेरे से नहीं आ जाएगा इतनी गर्मी में। अब सिंचन चुपचाप से पंखा चला के लेट जा, पंखे की हवा में एसी कहाँ से लगवाऊ मैं। अरे तो क्या यार सबके घर पे एसी, हमारे घर पे एसी क्यों नहीं, एसी लगवाओ चुपचाप से। हाँ मैं कुछ नहीं जानता सिंचन, देखेंगे नेक्स्ट मंथ देखेंगे। अरे यार फ्रैंकल भैया पूरे 2 साल हो गए यार, दो साल से नेक्स्ट मंथ यार 2 साल कर दिए, पूरा एसी लगवाया नहीं आनी तो। चलो एक काम करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम एसी तो घर में लगवाने वाले हो नहीं। अबे सिंचन ऐसे मत बोल, देखियो एक दिन जरूर एसी लगवाऊंगा अपने घर पे। चलो तो सुनो तो सही फ्रैंकल भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सुनो तो सही एक बार, बोल क्या बोल रहा है। अरे फ्रैंकल भैया तुमने बोला था कि घूमने चलेंगे पार्क में, घूमने चलेंगे, अब चलो ना घूमने चलते हैं पार्क में। अब सिंचन इतनी गर्मी में कहां घूमने जा रहा है तू। अरे फ्रैंकल भैया तो घर पे करेंगे क्या यार, देखो लाइट भी नहीं आ रही जो टीवी देख लूं मैं। हां वैसे सिंचन सही कह रहा है, टेबल भी ले, टेबल पे भी टेप चिपक गई। चलो एक काम करता हूं मैंने अपने फ्रैंकल भैया दोस्त को बुला लेता हूं, वो ना अपनी गाड़ी ले आएगा, उसकी गाड़ी में चली गई मस्त एसी ऑन करके उसकी गाड़ी का। हाँ सिंचन बुला ले फिर तो पक्का चलना यार, मस्त घूम के आएंगे। अरे वाह मजा आ गया, फ्रैंकल भैया ने भी हाँ कर दी, अब तो अपने दोस्त को बुला ही लेता हूँ, मस्त जाएंगे उसकी गाड़ी में बैठ के, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे इसके एसी की। सिंचन मस्त करके मैं तो उसकी गाड़ी में सोऊंगा, बस तू कैसे भी करके एसी चलवा ली उसका। अरे फ्रैंकल भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, वो मेरी बात कभी मना नहीं करता, एसी चला ही लेगा वो। अरे हाँ सिंचन बोलो क्या हो गया भाई, हमको कॉल क्यों कर रहे हो। अरे भाई क्या कर रहा है तू। अरे कुछ नहीं, स्नेक राइफल के वीडियो देख रहे थे, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। अरे यार मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही वरना मैं तो टीवी पे देख लेता। अरे टीवी पे क्या देख रहा है, फोन पे देख ले। अरे यार फोन ने रिचार्ज नहीं है इसलिए मैं ना टीवी पे देखता हूँ, हमारे घर पे ना वाईफाई लगा हुआ है। अरे बेवकूफ वाईफाई लगाओ तो वाईफाई कनेक्ट कर लेना फोन पे। अरे यार तुझे पता नहीं है मेरा फोन ना एकदम लोकल है यार, उसमें वाईफाई भी नहीं चलता यार, तुझे क्या ही बताऊं मैं। अरे तू नया फोन खरीद ले, तेरे को कितना सॉल्यूशन दूं मैं, है ये बता मेरे को। अरे यार नए फोन के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, चल तू वो सब छोड़, जल्दी गाड़ी लेके हमारे घर पे आ जा, हमने घूमने चलेंगे पार्क में। क्या पार्क में, अच्छी मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। हां तो फटाफट से आ जा। चलो गाइस कॉल भी कट गई, आ रहा है फ्रैंकल भैया, बंदर आ रहा है यार, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया सिंचन, बहुत बढ़िया, मजे आएंगे यार एसी की हवा में सोऊंगा मस्त उसकी गाड़ी में। पापा से परमिशन ले लेता हूं, पापा पापा पापा। अबे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है इतनी तेज। अरे पापा जनजन के साथ खेलने जाऊं मैं सिंचन के साथ। अरे खेलने बेटा, घर पे थोड़ा पढ़ भी लिया कर, हमेशा खेलना खेलना। अरे तो क्या हो गया, थोड़ी देर अब गाड़ी भी लेके जाऊंगा। ओए गाड़ी पे अगर स्क्रैच आए तो याद रखियो तेरी हड्डी को तोड़ ही दूंगा, समझ रहे ना, गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए। गाड़ी लेके जा रहा हूं, कहीं जाइयो मत सिंचन के घर पे, खेल के सीधा ये कहीं घूमने निकल जाए। अरे पापा कहीं नहीं जाऊंगा, आपने इजाजत दे देना, ये बता परमिशन दे देना। हाँ परमिशन दे दी, जा थोड़ी मौज मस्ती करके, हमेशा पढ़ाई भी ठीक नहीं है, मतलब पढ़ाई ठीक है लेकिन हमेशा ठीक नहीं है, खेल के आने के बाद सीधे पढ़ने बैठियो ये समझ ले। अरे ठीक है पापा, पढ़ने बैठूंगा जान तो दो। ठीक है जाओ, और हो सके तो सिंचन के घर पे भी पढ़ाई करना सिंचन के साथ। ठीक है पापा, सिंचन के साथ भी पढ़ाई कर लूंगा अब तो। ठीक है अब तो जान दो, कम से कम है जान दो यार। ठीक है जाओ, और हाँ गाड़ी पे अगर स्क्रैच आया तो याद रखियो तेरी हड्डी मैं तोड़ ही दूंगा। ठीक है पापा, भगो, मजा आ गया, पापा ने परमिशन दे दी गाड़ी की भी, मजा आएगा। पापा का क्या पता मैं उसके घर तोड़ना जा रहा है, मस्त पार्क में जा रहा हूँ खेलने को, मजा आ गया भाई। पापा भी अच्छे हैं भाई, देखो अच्छी बात है भाई, गाड़ी ले जान दी, अच्छे ही तो है, फिर उसके बाद घूम के आने के बाद पढ़ लेंगे, पापा भी खुश मैं भी खुश, अच्छी बात है ये तो। अरे ये गेट बदलवाना पड़ेगा पापा से, क्या पूरा फंस जाती है गाड़ी से निकालने में। कोई बात नहीं, एसी तो ऑन करूँ, गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में यही मजा आता है, एसी ऑन करके जहाँ मर्जी घूमने चलो, घूमने जाओ मस्त करके। सिंचन मेरे दोस्त, आ रहा हूँ तेरे पास, मेरा सिंचन दोस्त और सिंचन का भैया बहुत अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा, बस चौप अच्छा नहीं है, काट लेता है मेरे को वो। ये लो सिंचन का घर भी आ गया, बातों
तो मैं सिंचन के घर पे आ गया, बढ़िया करके अंदर जाके कुछ ठंडा पिला दू तो और ही मजा आ जाएगा। सिंचन ठंडा पिला देगा, मना नहीं करेगा। सिंचन सिंचन दोस्त भाई बाहर आ जाए, चौप तो नहीं है ना घर पे? स्वीटी से मिलने गया तो अच्छी बात है। अरे अरे ये तो चौप के बाद है, भागो कहाँ छुपू कहाँ छुपू, समझ नहीं आ रहा चौप के बाद है तो चौप आएगा काट न ले कहाँ छुपू। अरे बाबरे बाबरे समझ नहीं आ रहा, चौप आ गया तो टांग को छोड़ेगा नहीं, उधेड़ी देगा टांग को, बोलते यही छुप जाता हूँ। भाई साहब कहाँ चलेगा सिंचन को, कौन आवाज देता कहाँ चलेगा भाई साहब, काट ही लूंगा आज तो, कहाँ चलेगा दिख भी नहीं रहा। अरे कहाँ है मेरे को, आ गया आ गया आ गया आ गया। अब भाई साहब कोई तो था भाई, कोई तो था, मैंने सुना तो था भाई, सिंचन को बोल रहा था भाई मेरी नींद हराम कर दी, मजे छोड़ता अगर दिख जाए मेरे को तो उसकी टांग को उधेड़ी दूंगा मैं। अब भाई साहब यहीं कहीं पे मेरे ख्याल से बंदा है, अरे बाबरे पता लग गया, भागो 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 भागो, पता लग गया मेरी मैक्स उंगली उसने, भागो 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 का टांग उधेड़ देगा मेरी, भागो 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 कहाँ भागो यार, चढ़ जा रहे मैं तो चढ़ भी नहीं पा रहा, आगे तो टांग उधेड़ी देगा मेरी। भाई साहब रुक जा रुक जा रुक जा, आ रहा हूँ तेरे पास। अरे बड़ी तेज भगते हुए आ रहा है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, बड़ी तेज भगते हुए आ रहा है, ये तो टांग उधेड़ बच गया भाई साहब, ये तो बच गया। अगर आज इसकी टांग मिल जाती ना मेरे को तो इसकी टांग को ऐसा उधेड़ता कभी आता ही नहीं सिंचन को बुलाने, हमेशा आके भाई साहब मेरी नींद खराब कर देता। कोई बात नहीं अभी जाता हूँ घर पे, मस्त करके घर पे सोऊंगा, हाँ नहीं तो नींद आराम कर दी, कितनी मस्त नींद आ रही थी। आके सिंचन सिंचन चिल्लाने लग जाता, पता नहीं भाई साहब कैसी आवाज है इसकी। एक काम करता हूँ थोड़ा मैं भी टहलने चले जाता, अब तो नींद आराम हो ही गई, कहाँ पे टहलू कहाँ पे टहलू, यहीं पे टहल के थोड़ी पोटी सोटी कर लेता हूँ, हाँ नहीं तो ये जगह थी। अरे यार फ्रैंकल भाई ये बंदर अभी तक आया क्यों नहीं, जाके चेक करना पड़ेगा यार, बड़ी देर लगा दी इसने, एक तो गर्मी बढ़ती जा रही है इसी की हवा खानी है मेरे को कैसे भी करके। अरे अरे यार ये चढ़ना भी कितना मुश्किल है, सीढ़ियां पता नहीं कहाँ रह गया ये। अरे वाह यार इसकी गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है, मतलब बंदर यहाँ तक आया लेकिन वो नीचे क्यों नहीं आया यार। वाह यार इसकी गाड़ी देख के कितना सुकून मिल रहा है, बस इसके अंदर फटाफट से बैठ के एसी ऑन कर दो, बड़ा ही मजा आएगा। ओए बंदर वही कहाँ है यार तू कहाँ है? अरे भैया क्या बताया भैया, तुम्हारा चौप पीछे पड़ गया हमारे, यहाँ नहीं तो भैया घर के बाहर तुम आए नहीं, चौप आ गए तुमसे पहले, हमारी टांग को उधेड़ने की बात कर रहा था, भग गए हम तो। अरे तो है कहाँ तू यार, है कहाँ? अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ा पानी वानी पी रहे थे भैया, भगा भगा के क्या बताए, हमारी तो सांस ही फुला दी उसने, पानी पी रहे हम तो। अरे यार पानी वानी हमारे घर पे पी लेता, घर से दूर क्यों चले गया? अरे बताया तो था चौप आ गया भैया। अरे चल वो सब छोड़, अब तू फटाफट से घर पे आ जा यार, ये चौप को तो मैं देखूंगा। ओए चौप के बच्चे तू है कहाँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे ख्याल से ये ना भारी होगा, चौप का बच्चा अंदर आने दो, इसे बताऊंगा मैं। फ्रैंकल भैया तुम्हें पता है चौप ने भगा दिया मेरे दोस्त को? अरे वाह मजा आ गया यार, चौप ने उसे भगा दिया। अरे तुम भी देखो हंस रहे हो फ्रैंकल भैया, है गंदी बात है यार, मेरा दोस्त है यार वो। चलो भैया चलो चलो चलते चलते, सिंचन का कॉल आ गया, बस चौप हो ना घर पे, चौप हो ना, जल्दी जल्दी भगते हो चलते, सांस फूल गई हमारे तो भगते भगते। अरे बाबरे अरे बाबरे, सिंचन की वजह से कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है मेरे को। सिंचन सिंचन बाहर आ जा यार, कहीं चौप ना आ जा यार दोबारा, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, आज चौप से बैठ लूंगा, हाँ इधर से जाऊंगा ना तो सही जाएगा। और सिंचन चौप है तो नहीं? अरे नहीं है यार चौप नहीं, आ जा तू अंदर आ जा। ठीक है भैया, ये लो जंप लगाई हमने, बहुत बड़ी 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 मस्त आगे मजा आ गया। चौप का बच्चा है नहीं घर पे, होता ना तो उसकी धूती धूत पे मारता, चौप से डरता थोड़ी ना सिंचन, मैं तो मजाक कर रहा था जब से, चौप से नहीं डरता मैं बिल्कुल भी। अरे देख तेरे पीछे चौप, अरे अरे कहां चौप ले ले, डर गया हाँ तो डरपोक कहीं का, चौप से तो डरता है तू हमेशा। और बंदर तू ठीक तो है ना, अपनी गाड़ी लेके आ गया? हाँ भैया गाड़ी लेके आए, पर भैया हम तुम्हें चलाने नहीं देंगे, पिछली बार तुमने स्क्रैच मार दिया था, पापा ने बोला कि स्क्रैच नहीं आना चाहिए गाड़ी में। अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू, तो हमेशा चलाते रहते, मेरे फ्रैंकल भैया को दे दियो, मेरे फ्रैंकल भैया चलाएंगे अब गाड़ी। अरे हाँ यार बंदर तू तो हमेशा ही चलाता, आज मेरे को चलाने दे। ठीक है भैया लेकिन स्क्रैच नहीं आना चाहिए, आज आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ, चलो मजा आएगा यार, आज तो घूमेंगे बड़े दिनों बाद। अरे रुक जा यार बंदर तू तो बड़ी तेज भगता है, अब आना सिंचन तू मेरे साथ, आज तो मजा आएगा, गाड़ी चलाऊंगा। फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ फ्रैंकल भैया, एसी ना फुल स्पीड पे चला देना, डरना मत बिल्कुल भी। अब फुल स्पीड पे नहीं, जीरो की स्पीड पे चलाऊंगा। अरे जीरो की स्पीड पे मतलब सिंचन, जीरो डिग्री करके चलाऊंगा, एकदम बर्फ पड़ेगी बर्फ। अरे भाई साहब काम लग गए आ जाओ, इनका अभी मेरे को समझ नहीं आता, पहले जल्दी जल्दी करते हैं फिर देर कर देते हैं। अरे मैं आ तो गया यार, कैसी बातें कर रहा है तू, तो गाड़ी पे चढ़ गया फुल है। चलो भैया कौन चलाएगा ये बता, अरे तुझे बताया तो फ्रैंकल भैया चलाएंगे गाड़ी, तू नहीं चलाएगा फ्रैंकल भैया चलाएंगे, हनी तो फ्रैंकल भैया ना ओपी है एक नंबर, वो चलाएंगे गाड़ी मस्त करके। मैं ना गाइस एक काम करता हूँ, मेरे घर में ना गाइस दूसरा रास्ता है, मैं ना दूसरे रास्ते से जाता हूँ और सिंचन को और उसके दोस्त को ना डरा दूंगा, हाँ ये सही रहेगा। ये कूद गया मैं, देखो गाइस यहाँ से जाता हूँ मस्त करके सिंचन को डराऊंगा एक नंबर, सिंचन तो डर ही जाएगा, बोलेगा फ्रैंकल भैया ये कहाँ से आ रहे हैं। सिंचन अब तो डरने के लिए बस रेडी हो जाओ, मैं आता हूँ फटाफट से भगते हुए चलते हैं। अरे बाबरे यार कितनी गर्मी है गाइस बाहर, अबे तेरे भैया आएंगे नहीं आएंगे? ओए ओए कौन हो तुम? अरे फ्रैंकल भैया कहाँ से आ रहे हो यार तुम? अबे सिंचन ये बता फ्रैंकल कौन है? अरे यार फ्रैंकल भैया तुम ही तो फ्रैंकल भैया हो, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? अरे लगता है फ्रैंकल भैया की ना गर्मी में थोड़ी बुद्धि गर्म हो गई है, इसको ठंडी करो फ्रैंकल भैया, गाड़ी में से चला के ठंडी करो इसको। अबे ओए ज्यादा सिंचन इसने तो यार मेरी बेइज्जती उड़ा दी। अरे फ्रैंकल भैया हाँ यार बेइज्जती उड़ा दी तुम्हारी तो इस बंदर ने। कोई बात नहीं सिंचन इसको ना मैं पार्क में बताऊंगा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया पार्क में ना इसकी फुल फिक्री लेना, फिक्री। अबे फिक्री ये फिक्री क्या होता है सिंचन? अरे फ्रैंकल भैया फिरकी यार फिरकी, अच्छा फिरकी लेनी है, ले सिंचन जल्दी, मैंने तो एसी भी चला दिया। अरे भैया एसी भैया इतनी स्पीड पे काय को चला रहे भैया? अबे चुपचाप से बैठा रहे तेरे को बता रहा हूँ मैं। अरे भैया गलत बात है, अब भैया पहले बता रहा हूँ एक इतना तो स्क्रैच नहीं आना चाहिए गाड़ी में, कैसे चला रहे हो धीरे चला भैया, ऐसे मत करो यार। अरे चुपचाप बैठ रहे बंदर तेरे को, वरना गाड़ी में से गिरा दूंगा। अरे भैया भैया मारोगे क्या? पापा मार देंगे मेरे को जान से। अरे बंदर चुपचाप बैठ रहे बता रहा हूँ तेरे को, बोला ना तेरे
आपको गाड़ी से गिरा दूंगा, ले ले ले, मैं तो ऐसे करके चलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके चलाऊंगा और स्क्रैच दूंगा गाड़ी में। फ्रैंकल भैया सांप बना दो, सांप बना दो, ऐसे ऐसे लहराओ, ऐसे ऐसे लहराओ। अरे भैया गलत बात है भैया, देखो तुम्हें भैया जान से प्यारी पापा की गाड़ी है, हमें मार देंगे भैया, हमसे प्यारी है पापा की गाड़ी और जान से प्यारी है। मारो मारो फ्रैंकल भैया, ड्रिफ्ट मारो फ्रैंकल भैया, घुमाओ, सांप बना दो, सांप बना दो, क्यों नहीं लहरा रहे यार। एक काम करो तुम उतर जाओ भैया, तुम्हारे बस की नहीं है, उतर जाओ भैया, उतर जाओ बोलना भैया, हमारा टॉयलेट निकल जाएगा इसी में भैया, भैया उतर जाओ। अब चुपचाप बैठा रहा, नहीं लहरा रहा, चुपचाप बैठा रहा। फ्रैंकल भैया लहराते हुए लेके चलो यार, लहराते लेके चलो यार, बंदर की शक्ल देख के मजा आ रहा है, ये रो रहा है। तो गाइस अभी हम पार्क पे तो पहुंच चुके हैं फ्रैंकल भैया, यार इस पार्क में भी बहुत गर्मी हो रही है यार, मेरे तो मन कर रहा है बस गाड़ी में बैठे रहो एसी चला के। अरे भैया देखो एसी चला रहे तो बीच में पेट्रोल भी भरवा देना। अरे तू पागल है क्या, एसी यार पेट्रोल से तो न चलता। सिंचन आज तो यार इस पार्क में भीड़ है ही नहीं। अरे फ्रैंकल भैया इतनी गर्मी हो रही है तो यार भीड़ कहां से होगी पार्क के अंदर है, इतनी गर्मी में कौन ही आ रहा है पार्क में, हम तो आगे कम से कम यार, क्योंकि घर पे बिजली नहीं थी। भैया बिजली क्या होती है हमें बताते दो। अरे तुझे ये भी नहीं पता बिजली लाइट होती है, लाइट हमारे घर पे ना लाइट कटी हुई थी। सिंचन देख यार काली नदी, देख काली नदी। अरे हाँ फ्रैंकल भैया काली नदी, फ्रैंकल भैया बंदर को बताओ ना वो काली नदी के बारे में। अरे भैया हमें बताओ ना भैया, हमसे क्यों छुपा रहे, हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, हमसे मत छुपा भैया, बताओ क्या बात है। अबे ये जो काली नदी है ना, इसके अंदर जो भी जाता है ना उसके सारे पाप धुल जाते हैं, तूने जो कुछ भी कांड करा होगा ना, जो कुछ भी तूने पाप करा होगा वो सारे धुल जाएंगे, एक बार इसके अंदर जा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया सही कह रही हो, अबे बंदर जाके देख इसके अंदर यार, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे एक ही बारी में। आजा सिंचन तेरी फोटो खींच दो। अरे हाँ फ्रैंकल भैया फोटो खींचो, फोटो खींचो। अरे भैया हमारी लेना, भैया हमारी लो। अबे थोड़ी स्माइल कर बंदर, भैया ऐसे ठीक लगता है, हम स्माइल स्माइल ना करते हैं। खींच दो फ्रैंकल भैया खींच दो, मैं कितना क्यूट है फ्रैंकल भैया, खींचे तो सही। अबे तूने कहां से देख लिया, अबे वाह सिंचन कितनी बढ़िया पिक आई है। फ्रैंकल भैया एक और खींचो, फ्रैंकल भैया एक और खींचो ना, फ्रैंकल भैया खींचो यार, भैया खींचो तो एक और, इतनी जिद कर रहा है सिंचन तो खींचो ना। अबे तू पिक देख कितनी बढ़िया है भैया, पिक तो बहुत अच्छा है, कुछ बिकाओ पिक अच्छा है। देख सिंचन तू भी देख, अरे वाह फ्रैंकल भैया कितना अच्छा लग रहा हूं यार मैं, छोटा सा एकदम क्यूट क्यूट। एक और खींचो फ्रैंकल भैया, एक और खींचो यार, खींचते ही नहीं हो तुम यार। एक काम कर सकते सिंचन, आजा दूसरे लोकेशन पे खींचते हैं। हां फ्रैंकल भाई यहां पर एक खींच ले, अब एक दूसरी लोकेशन पे खींचते हैं, उसके बाद मैं ना कचरे को दिखाऊंगा, कचरे को चिढ़ाऊंगा मैं, दिखाऊंगा कि पार्क में गए थे हम घूमने। आजा सिंचन इस ब्रिज पे खिंचवा, देख कितना बढ़िया पिक आई है। अरे भैया हमारे सबसे पहले हम आएंगे, सिंचन चलेगा हमसे पहले। चलो फ्रैंकल भाई खींचो, मेरी अकेले की खींचो। अबे सिंचन उस बंदर को भी आंदे ना, दोनों के साथ में खींच देता हूं। भैया हमारा तो पोज है भैया, ये देखो पोज है हमारा तो, सिंचन तो नॉर्मल खड़ा, हम तो पोज देके खड़े होते हैं। अरे जाने तू तो नॉर्मल है, मैं खड़ा हूं पोज देके। तो सिंचन देखियो ये बंदर खड़ा कैसे है। अरे फ्रैंकल भाई देखना कितनी बुरा लग रहा है वो। भैया देखो गलत बात है भैया, हमें बुरा बुरा बोल रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी ना, फिर अगली बार से आएंगे नहीं तुम्हारे साथ, ये भी ध्यान में रख लेना बुरा बोलने से पहले। अबे तू इधर आ बंदर, तेरे को एक बात बताऊं। अरे हाँ फ्रैंकल भाई इसको ना पानी में कूदा दो, पानी में। अरे भैया हम पागल हैं जो पानी में कूदेंगे, हम क्यों कूदेंगे पानी में। गाइस एक काम करता हूं, इस बंदर को ना मैं पानी में कूदा देता हूं, इसे झूठ झूठ बोल बोल के। फ्रैंकल भैया मैं इसे लेके आ रहा हूं यार, तुम चिंता मत करो, ला रहा हूं मैं इसे लेके। अबे तू क्या लेके आएगा, मैं खुद ही आया हूं अपने पैरों से चल के। अबे भाई मैं क्या कह रहा हूं, बंदर तू ना बहुत पाप करे यार जिंदगी में, एक बार तू जा तो सही काली नदी के अंदर, एक बार जाके तो देख तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। भैया सच कह रहे हो ना, जाके देखते हैं यार, हमारे तो बहुत पाप करे, पापा भी डांटते हैं। अरे रे ये कितना गंदा पानी है, बदबू भी आ रही है। अरे और अंदर जा यार, अभी तो तेरे घुटनों पे भी नहीं आया, और अंदर जा, जा अंदर जा। अरे ना भैया हमें तो बदबू आ रही है, हम नहीं जा रहे। अबे जा भाई तेरे पाप धुल जाएंगे, भूल गया क्या। अरे हाँ यार पाप, भाई पाप तो बहुत करे, जाके धुलने भी तो चाहिए पाप। पर भैया ये भैया बदबू भी छोड़ रही है, नदी है क्या है, तुम तो नदी बोल रहे लेकिन ये धुआं छोड़ रही है। अरे धुआं नहीं छोड़ रही बेवकूफ, वो यार बदबू छोड़ रही है। कोई बात नहीं भैया, हमें पाप धुलने, पाप धुल जाए हमारे बस कैसे भी करके। अरे रे कीचड़ लग रही है तो हमको कीचड़ लग रही है। फ्रैंकल भैया मेरे को लग रहा है तुमने कीचड़ में कूदवा दिया मेरे को। सिंचन इसको तो कीचड़ में कूदा दिया हमने। अरे हाँ फ्रैंकल भैया झूठ झूठ बोल बोल के इसे तो कीचड़ में नवा दिया है, अब दूर रहम से तेरे में से बदबू आ रही है। करवा दी बेइज्जती, करवा दी है नदी में, गिरवा दे झाड़ू में तो। अबे सिंचन ये क्या चीजें देखियो, सिंचन ये क्या निकल रहा है पानी में से। अरे बाबू रे ये क्या निकल रहा है झाड़ू में, तो घर पे है पापा को बताऊंगा, नहीं तो मेरे को काले पानी बोल के नदी में गिरा दे, नाली में गिरा दे, पापा को बताऊंगा अभी जाके, नहीं तो सिंचन बुरा है। अबे सिंचन ये धुआं कैसे निकल रहा है पानी में से। फ्रैंकल भैया मुझे भी नहीं पता यार। सिंचन अब सही बताऊं, मेरे को भी डर लग रहा है यार, इस कीचड़ में से ये धुआं कैसा निकल रहा है पता नहीं। फ्रैंकल भैया कैसे धुआं निकल रहा है यार, ये कौन है यार फ्रैंकल भैया। अरे भैया किसी ने हमको बाहर निकाला, किस कीमत हुई कीचड़ के अंदर आने की, बरसों से इस कीचड़ के अंदर कोई आया नहीं था, लेकिन कौन कूदा इसके अंदर। अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरा दोस्त कूदा था, जाओ यार उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। अरे भाई तू इस कीचड़ के अंदर क्या कर रहा है। अरे हम इस कीचड़ के मालिक हैं। अरे क्या तुम इस कीचड़ के मालिक हो, लेकिन कहां से निकले तुम इस कीचड़ के अंदर से। तुम्हें पता नहीं हमारे बारे में, हम जादुई मालिक है जादुई। अरे जाने तू कहां जादुई मालिक लग रहा है, मन कर रहा है तेरे चांटे पे चांटे लगा दूं। अरे हमारी बेइज्जती करता है, शर्म नहीं आती तेरे को मूर्ख बालक। अरे हाँ सिंचन सही कह रहा है, मेरा भी मन कर रहा है इसके दो तीन चांटे लगा दूं। कितना गंदा है सिंचन, देखियो नाली के अंदर खड़ा हुआ है ये और मेरे से ज्यादा बोल रहा है जादुई जादुई। बच्चों तुम्हें पता नहीं अभी मेरे बारे में, मैं इसके अंदर से नहीं आया, मैं अपने घर के अंदर से सीधे यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया हूँ बेटा। तुमने देखा नहीं था शुरू शुरू में कैसा धुआं आ रहा था। अरे हाँ फ्रैंकल भाई वैसे धुआं तो आ रहा था यार, ये पता नहीं कौन है। अबे सिंचन हम भी कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, छोड़ सिंचन आज हम चलते हैं। रुको 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 कहाँ जा रहे हो, अभी बताता हूँ तुम मेरे पे शक कर रहे हो, अभी तुम्हें बताता हूँ मैं क्या क्या चीज हूँ क्या चीज हूँ। अरे जाने तेरे से कौन बात कर रहा है, रुको तो सही, तुम्हारे अभी कपड़े चेंज करता हूँ। अंदर मंदिर जादू इसके कपड़े चेंज हो जाए। सिंचन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो
तो कपड़े चेंज हो गए एरफ एंगल पे, मेरे भी तो चेंज हो गए। देखो यार, ओए भाई यार तेरे अंदर तो बहुत सारी सुपर पावर आ गई, तू कौन है? हमने बोला था हम बारे ऊपर शक मत करो, नाली का कीड़ा बोल लेते हमको, नाली का कीड़ा दिखते हैं। चलो तुम्हें एक बात और बताते, तुम अमीर हो जाओगे, जाओ अब जैसे तुम अमीर हो गए तुम हमें ढूंढोगे। एरफ एंगल पे वो तो गायब हो गया यार। अब सिंचन हम तो उसे गलत बोल लेते यार, वो तो यार कोई जादू ही था। अरे तुम क्यों जा रहे हो यार इस कीचड़ में क्यों जा रहे हो? अब सिंचन गलती से मेरा पैर फिसल गया। ट्विंकल भैया वो बोल के गया हम अमीर होंगे, हम अमीर कैसे होंगे? पता नहीं सिंचन कैसे अमीर होंगे। आज सिंचन अब चलते हैं। अरे पर जाएंगे कैसे ट्विंकल भैया? वो बंदर तो चलेगी अपनी गाड़ी लेके। अब हाँ सिंचन, अब हमको गर्मी में जाना पड़ेगा क्या पैदल पैदल? अरे हाँ ट्विंकल भैया, अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा यार। सिंचन यहाँ के देख देख बिल्ली है, देख कितनी अच्छी लग रही है, छोटी सी आज से लेके चले गए शॉप के साथ खेले करेगी यहाँ पे। अरे ट्विंकल भैया ये बिल्ली नहीं यार, कुत्ता लग रहा है मेरे को तो। तुम भी यार बिल्ली को कुत्ता बोल रहे हो? अब सिंचन मैंने बिल्ली को बिल्ली बोला है, तू बोल रहा है बिल्ली को कुत्ता। अरे यार ट्विंकल भैया तुमने तो कंफ्यूज कर दिया यार। ये बताओ घर कैसे जाना है? पता नहीं सिंचन घर कैसे जाएंगे। काश सिंचन हमारे पास कोई महंगी गाड़ी होती तो कितना मजा आता ना यार, उस महंगी गाड़ी में मस्त करके जाते। हाँ ट्विंकल भैया सही कह रहे हो, पता नहीं सिंचन कब आएगी हमारे पास गाड़ी। हाँ अरे ट्विंकल भैया ये क्या हुआ यहाँ पे, गाड़ी कहाँ से आ गई? अब्बा सिंचन ये गाड़ी कहाँ से आ गई, ये तो कोई जी वैगन कार लग रही है। अरे लग नहीं रही ट्विंकल भैया, वो ये यार ये तो बहुत महंगी कार है यार, ये हमारे सामने कहाँ से आ गई? देख सिंचन हम ना गाड़ी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और देख एक साथ यार गाड़ी आ गई, इसका मतलब क्या? अरे ट्विंकल भैया इसमें तो लॉक भी खुला हुआ है। अब्बा सिंचन मेरे ख्याल से ये गाड़ी ना हमारी हो गई। अरे वाह ट्विंकल भैया ये गाड़ी तो गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट हो गई। अब सिंचन मैं पक्का कह सकूं वो जो कीचड़ के अंदर था ना उसने ही सिंचन हमको अमीर बनाया। अरे वाह ट्विंकल भैया फिर तो मजे आ गए यार, ट्विंकल भैया अब तुम बहुत अमीर हो जाएंगे ऐसे। हाँ सिंचन सही कह रहा यार तू, चल सिंचन अपना फटाफट से घर पे चलते हैं। वाह ट्विंकल भैया इसके अंदर तो कितना बढ़िया एसी है, कितना ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। सिंचन ये गाड़ी हमारी है ये सोच। अरे हाँ अब तो जहाँ मर्जी घूमने जा सकते हैं हम। फाइनली गाइस अभी हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। अब सिंचन मैं ना बहुत सारी चीजें मांगने वाला हूँ। अरे ट्विंकल भैया क्या मांगूंगी यार? देखा सिंचन तूने देखा नहीं क्या, जैसे हम गाड़ी के बारे में सोच रहे थे तो हमारे सामने गाड़ी आ गई। अब सिंचन हम जो कुछ भी सोचेंगे मेरे ख्याल से वो ना हमारे सामने आ जाएगा। हाँ ट्विंकल भैया यार चलो चलो फिर अंदर चलो यार, घर में मांगेंगे बहुत सारी, रिमोट कंट्रोल कार मांगना और पैसे गोल्ड जो कुछ मांगने मांग लेना। हाँ सिंचन यार यही मौका है सिंचन अमीर होने का। हाँ ट्विंकल भैया कुछ पता नहीं है यार कब पावर चल जाए। अब आवाज़ अब कर लो, कहाँ से कूदता हुआ आ रहा भाई, वो बंदर कहाँ चले गया? अरे चुप के बच्चे चुप हो जाए यार, अभी तुझे पता नहीं हम कितने अमीर हो गए, यहाँ गोल्ड आ जाए। अरे सिंचन देखियो मैंने तो बस बोला ही गोल्ड आ गया यार, तुरंत गोल्ड आ गया। ट्विंकल भैया यार ये तो बहुत फास्ट सर्विस है यार, जैसी तुमने सोचा यार वैसी आ गई। अब सोचा नहीं बोला ट्विंकल भैया, रिमोट कंट्रोल कार मांगो ना प्लीज मांग दो। ठीक है सिंचन मांग देता हूँ, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल कार आ जाए। अरे वाह ट्विंकल भैया कितनी सारी टॉय वाली कार आ गई, मजा ही आ गया ट्विंकल भैया, अब तो इनको चलाऊंगा पूरे दिन भर चलाता रहूंगा यार। भाई पहले तो जिंदगी कितनी बोर थी यार, लाइट भी नहीं थी हमारे घर में, और अब देखो यार कितनी सारी रिमोट कंट्रोल कार गोल्ड सब कुछ आ गया। अपना ट्विंकल भैया नया घर ले लेना पहली बता रहा हूँ। हाँ सिंचन अब नया घर लेंगे और उस घर के अंदर ना एक एसी भी लगवाएंगे मस्त करके, सिंचन एसी के हवा में सोई करेंगे रात को। हाँ ट्विंकल भैया सही कह रहे हो, इस घर में तो बहुत लाइट जाती है, अपना नया घर लेंगे उस घर में लाइट भी नहीं जाएगी, मस्त एसी चलाएंगे पूरे 24 घंटे। हाँ सिंचन अब काय बात की टेंशन, अब तो हमारे पास बहुत पैसा चुका है और हम बहुत अमीर हो चुके हैं। हाँ ट्विंकल भैया सही कह रहे हो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो गाइस? जल्दी से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यार वाला बाय।